स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस दोनों के दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ऑब्टेन करने के काम आते हैं। कन्वेक्स लेंस के बारे में आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कैसे वो ऑब्जेक्ट की रियल इमेज फॉर्म करता है। कन्वेक्स लेंस एक्चुअली वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है, यहाँ पर हम रियल इमेज की बात करेंगे। और जोन प्लेट क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे बनाई जाती है और उसके क्या फायदे हैं, और जोन प्लेट की फोकल लेंथ क्या होती है, उसकी रेडियस क्या होती है, वो मैं सब कुछ जोन प्लेट वाले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हूँ। और उन वीडियोज का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जोन प्लेट की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन क्या कैसे काम करती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो देखना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस। जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस में कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ अंतर भी होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं उनके बीच में और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम सिमिलैरिटीज बिटवीन जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस से। तो इनके बीच में, जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच में दो सिमिलैरिटीज होती हैं और वो देखते हैं क्या होती हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी नंबर वन, जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस में पहली सिमिलैरिटी स्टूडेंट्स क्या होती है, बोथ जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट्स एक्सिस। अगर कन्वेक्स लेंस की एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दे और जोन प्लेट की एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो दोनों क्या करेंगी, उस ऑब्जेक्ट के रियल इमेज फॉर्म करेंगी ऑन द अदर साइड। कन्वेक्स लेंस यहाँ है, ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बनेगी उस साइड, रियल इमेज की बात कर रहे हैं। और जोन प्लेट यहाँ है, ऑब्जेक्ट उसकी एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उस साइड। तो दोनों के दोनों, जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उनकी एक्सिस पर रखे जाते हैं। दूसरा सिमिलैरिटी क्या है इनके बीच में, जिस प्रकार से कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, उसी तरह से स्टूडेंट जब हमने जोन प्लेट की फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था तो हमने देखा था कि जोन प्लेट की फोकल लेंथ भी जो थी वो वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही थी। अभी हम उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वहां हमने देखा था कि जोन प्लेट की फोकल लेंथ वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है, मींस कन्वेक्स लेंथ हो चाहे जोन प्लेट हो, दोनों की फोकल लेंथ जो होगी वो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। जब भी किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की जो फोकल लेंथ है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है तो उनमें जो इमेजेस फॉर्म होती हैं तो उनमें कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं। वेवलेंथ पर डिपेंडेंस होने के कारण फोकल लेंथ की, इनमें जो इमेजेस बनेंगे उनमें क्रोमेटिक एबरेशंस होंगी। क्रोमेटिक एबरेशंस क्या होती हैं वो आपका सिलेबस नेक्स्ट सेम में शुरू होगा, ऑप्टिक्स पार्ट टू में, वहां पे हम खुलकर डिस्कस करेंगे कि एबरेशंस क्या होती हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं। वन ऑफ द एबरेशन जो होती है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में वो क्रोमेटिक एबरेशन होती है। वो क्या होती है वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जब वीडियो बनाएंगे एबरेशन के ऊपर वो हम वहां डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेकंड जो सिमिलैरिटी है जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंथ के बीच में वो ये है, द फोकल लेंथ तो बोथ वेरीज विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ वेरी करती है। सो बोथ सफर द डिफेक्ट ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंथ जब भी इमेजेस बनाएंगे तो उनमें क्रोमेटिक एबरेशन आएंगी ही आएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये है सिमिलैरिटीज बिटवीन जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस में क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट के बीच में क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। तो डिससिमिलैरिटी नंबर वन ये है कि इन अ लेंस द रे ऑफ लाइट आर फोकस्ड टू फॉर्म एन इमेज बाय रिफ्रैक्शन। लेंस जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है किस फिनोमेना के थ्रू, रिफ्रैक्शन फिनोमेना के थ्रू, जबकि जोन प्लेट यही काम करती है डिफ्रैक्शन फिनोमेना के थ्रू। व्हाइल इन अ जोन प्लेट द इमेज इज फॉर्म्ड बाय डिफ्रैक्शन। तो पहला डिससिमिलैरिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करता है रिफ्रैक्शन फिनोमेना का यूज करके और जोन प्लेट किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाती है डिफ्रैक्शन फिनोमेना का यूज करके। कन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, जोन प्लेट में हो रहा है डिफ्रैक्शन। तो पहले डिसिमिलैरिटी ये है। दूसरी डिसिमिलैरिटी क्या है स्टूडेंट, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज मोर इंटेंस देन दैट ऑफ जोन प्लेट। जब आप कन्वेक्स लेंस की इमेज देखेंगे जो उसने किसी ऑब्जेक्ट की बनाई है जो उसके एक्सिस पर पड़ा हुआ है, और अगर आप जोन प्लेट की इमेज देखेंगे
जॉन प्लेट की इमेज देखेंगे जो उसने किसी ऑब्जेक्ट की बनाई है जो उसकी एक्सिस पर पड़ी हुई है, तो आप ये देखेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस ने जो इमेज फॉर्म की है वो ज्यादा इंटेंस होगी, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये दूसरी डिसिमिलरिटी है दोनों के बीच में कि जो कन्वेक्स लेंस है वो इंटेंस इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की और जॉन प्लेट जो है वो इतनी इंटेंस इमेज नहीं बना पाती। तीसरी डिसिमिलरिटी क्या है इनके बीच में, द फोकल लेंथ ऑफ जॉन प्लेट इज एफ एन इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जॉन प्लेट की फोकल लेंथ का फॉर्मूला स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो ये होता है एफ एन इक्वल टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। फोकल लेंथ जो है जॉन प्लेट की वो स्टूडेंट्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए स्टूडेंट लैम्डा नीचे एफ एन ऊपर है, तो फोकल लेंथ जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी जॉन प्लेट के अंदर। जबकि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो लेंस मेकर फॉर्मूला आपने प्लस टू में ड्राइव किया था, वो क्या था, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। तो म्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, सी अपॉन लैम्डा। तो स्टूडेंट्स वन अपॉन एफ है, यहाँ पर एफ डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी सी लैम्डा जो है वो सी का डिनोमिनेटर है, मीन जो एफ और लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स की जो जॉन प्लेट की फोकल लेंथ होती है वो लाइट की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो लाइट की वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स ये थी तीन सिमिलरिटी। चौथी डिसिमिलरिटी अब हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, जो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो सिर्फ एक फोकल लेंथ होती है, और वो फोकल लेंथ हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस, आर वन आर टू है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू कर्व्ड सरफेसेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। जबकि जॉन प्लेट की जो फोकल लेंथ होती है वो एक नहीं होती, जॉन प्लेट के पास मल्टीपल फोकाई होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जॉन प्लेट की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है एफ एन इक्वल टू आर एन स्क्वायर बाय एन लैम्डा। अगर हम लैम्डा फिक्स कर दें तो एफ एन जो है वो एन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, एन की वैल्यू वन टू थ्री एंड सो ऑन हो सकती है। इसी तरह से जो जॉन प्लेट की जो फोकल लेंथ होंगी वो मल्टीपल फोकाई होंगी, एक फोकल लेंथ नहीं होगी जॉन प्लेट की। तो ये स्टूडेंट्स चौथा डिफरेंस था जॉन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।